में घुस जाऊं जाम में खड़ी हो जा, ये देख लो ये खड़ी तीन गाड़ी, यो भैया बलेनो वाला है 426, यो भाई बैक गियर लगाए खड़ा यार। सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये ओडी लेके खड़ा बंदे की गाड़ी में फास्ट टाइम नहीं, बताओ देख लो सामने आगे खड़ी हो ओडी खड़ी हो देखो वो लड़का खड़ा ना वहाँ, तो बताओ फास्ट टाइम नहीं उसकी गाड़ी में, खराब हो गया यार। यार अब निकले टोल से, पहुंच जाएंगे और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे मूर्थल। अपना भाई गाड़ी चला रहा है, एक स्पीड में मेंटेन कर रखी है। अब निकले टोल से, देख लो ये उधर ड्रोन, अभी ड्रोन उड़ाया था, अभी आती बार यहाँ उड़ाएंगे। ये देखो गाड़ी का एक्सीडेंट, जबरदस्त है यार एक्सीडेंट, जबरदस्त है भाई साहब एक्सीडेंट भी। चलो चल रहे हैं अब यार। अभी हमें कंफ्यूजन है, बता मतलब हमें मूर्थल जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे सुखदेव जाए, मन्नत जाए, या फिर मेरे ख्याल से तूने बोला था कि वो चावल
दिमाग से भटक गई रोड कहाँ से जाना था। तो अभी हमारा भाई है, ज्यादा अकल बंदा भाई है। नहीं, और मैंने सही बोला नहीं, आपने सही बोला था भाई, ऐसी की बात है। तो अब यहाँ से अब हमें लेना है यू टर्न। तो अब यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा। ये देखो जी, यहाँ से था रास्ता, ये जो ट्रक जा रहा है ना, यहाँ से था रास्ता, पर हम सीधा निकल गए वहाँ से, कटना था हमें। ये भी नया बना दिया, सर्विस रोड से जाना है अब हमें पेरिफेरल के ऊपर। चलो मोड़ते हैं गाड़ी यहाँ से। बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ा, जो पहले हम मूर्थल सोनीपत से पेरिफेरल पे चढ़ते थे केएमपी पे, वो वाला रूट कर रखा था बंद, तो इस वजह से आगे से बहुत लंबा चक्कर मारना पड़ा, बहुत लेट हो गए यार। सच्ची कम से कम ने 20 किलोमीटर फालतू चले, दिमाग की दही होगी, दिमाग की दही, कोई बात नहीं। ये देखिए सनसेट हो रहा है, चारों तरफ खेत ही खेत है। सोच रहा हूँ यार ड्रोन शॉट्स ले लूँ एक आधे, और तो जैसे अभी हम मूर्थल जाते हैं, तो अभी हमें लगता है 2 से 2.5 घंटे। तो जब ये रोड और ये ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है ना, ये बन जाएंगे ना, तो कम से कम नहीं 1 या 1.5 घंटे में सीधा पता भी नहीं चलेगा हम कब मूर्थल पहुंच गए हैं भाई। 1 घंटे में तो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा यार कब पहुंच गए मूर्थल। अभी तो देखो इतना रोड मतलब ख़राब है, आपको दिख ही रहा होगा आपको, और यहाँ पे ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है पूरा, तो बड़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है यार। बहुत अच्छी बात है कि रोड जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगी हमारी, और आने वाले टाइम में कुछ मतलब